झज्जर जिले के गांव खानपुर खुर्द में लाड़ो की बगिया ऑक्सीजन का शुभारंभ विधिवत रूप से हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल खट्टर वर्चुअल रूप से शामिल हुए। उन्होंने झज्जर जिले की बेटियों, धापा की ताई और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम में जिले की 500 बेटियों ने एक साथ पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में खेल और सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव और हरियाली तीज के पावर अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लाड़ो की बगिया कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कमरपाल गुज्जर, सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा की उपस्थिति में क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन को सुखद वातावरण की सौगात दी गई है। और जो इकोसिस्टम डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ी आज के टाइम में हमारे पास चुनौती है और यूएनईपी ने भी इस डिकेड को डिकेड फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन डिक्लेयर किया है। तो जो हरियाणा सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है कि ऑक्सीवन शहरों शहरों में सब जगह, गांव मोहल्लों में सब जगह स्थापित होने, तो एक हमारा छोटा सा प्रयास है। जिला प्रशासन जो एनटीपीसी के हमें इसमें सहयोग मिल रहा है और जो ट्रीमैन हमारे देवेंद्र सुराजी हैं वो, और आसपास के गाँव की बेटियों के नाम से हमने ये लाडो की बगिया के नाम से सोचा ये आइडिया। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों काफ़ी इस पर संजीदा हैं और आज के वक्त की ज़रूरत भी है। तो मैं समझता हूँ एक पेड़ बेटी के नाम आज सब लोग लगाएं और जो भी आसपास के स्कूलों से, कॉलेजेस से, गांव से बेटियों को आज बुलाएं। आज तीज का त्यौहार भी है, आज़ादी का हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो इस पावन अवसर पर मैं सभी जिलावासियों को बधाई देना चाहता हूँ और अपील करता हूँ सबसे कि ज़रूर अपनी बेटी के नाम से एक पेड़ अपने घर में, आंगन में, आस पड़ोस में, जहाँ भी आपको जगह मिले लगाएँ और उसको बड़ा करें। तो ये आज के वक्त की ज़रूरत है। इसमें मैं समझता हूँ आम जन की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो